हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू माय अदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वेपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स, और उसमें मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया दमदार मल्टीयर ब्रेकआउट स्टॉक भी देने वाला था जिसने 6 साल का ब्रेकआउट किया है, और ये सभी स्टॉक्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक बताने से पहले मैं आपको पिछले बार के अपडेट्स देना चाहूँगा। पिछले बार मैंने आपको M&M स्टॉक दिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज ये 3% ऊपर है, और मैंने आपको इसमें एंट्री पॉइंट 800 के पास दिया था, और अभी ये 830 के पास है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी था, तो इसमें ट्रेड एक्टिव है। और बाकी MCX और अपोलो टायर्स मैंने आपको बताया था, MCX में अभी तक ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है और अपोलो टायर्स में भी नहीं हुआ है ब्रेकआउट, तो आपको वेट करना है उसमें ब्रेकआउट होने का, और फिर आपको एंटर करना है जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गेल स्टॉक भी बताया था और कोटक महिंद्रा बैंक साथ में ही। गेल का अभी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला है। मैंने यहाँ आपको एंट्री प्राइस 149 के पास दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन, यहाँ पर आपको एंटर करना था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 162 के पास है अभी, और इसका टारगेट मैंने आपको दिया था 168, और अभी ये 162 के पास है। आज का हाई था इसका 166 के करीब था, तो अभी इसका टारगेट अचीव हो सकता है और आप इसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया था वैसा हो रहा है, और सपोर्ट से अच्छा बाउंस बैक भी दिया गेल ने। तो और मैंने और एक स्टॉक बताया था कोटक महिंद्रा बैंक, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं उसमें भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, और मैंने आपको ये 1840 पर रिकमेंड किया था, और 1840 को ब्रेकआउट होने के बाद पहला टारगेट था 1920, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन, और ये फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, और उसके बाद सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है जो कि था 2000 का। तो ये काफ़ी अच्छे से गया, रैली हुआ इसमें, और ये अभी 1984 के पास है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्म किया है। तो अभी मैं आपको ऐसे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट शेयर देने वाला हूँ, और उसके साथ एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक भी, तो देखते हैं वो स्टॉक्स अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है वो स्टॉक्स, जिंदल स्टील, इंडियन बैंक और मैकडॉवेल एन, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक हैं। इसके मैं लेवल्स और टारगेट्स लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो पहला जो स्टॉक है जिंदल स्टील, उसको डिस्कस करते हैं। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 400, और ये आज 3% ऊपर है दोस्तों। सारे मेटल सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें एक स्पेशली एक बढ़िया चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न, और उसमें काफ़ी बार रेजिस्टेंस भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि परफेक्टली 3 times रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ भी 5 सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। और अभी आपको यहाँ पर तुरंत एंटर नहीं करना है गाइस, अभी आपको इसमें एंटर तभी करना है जब ये 408 के ऊपर जाएगा दोस्तों, कंफर्टेबली 408 मैं मार कर देता हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको इसमें एंटर करना है, जो कि है 408, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज इसका हाई था, ये 1 अक्टूबर कैंडल का ये हाई है, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको एंटर करना है, और स्टॉप लॉस जो आपका होगा यहाँ पर वो होगा 380 के पास दोस्तों, जो कि ये कैंडल का लो है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंटर करने के बाद, ये आपका एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट रखना है 408 के ऊपर जाने के बाद, वो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 446 के पास दोस्तों, जो कि ये लेवल होगा 446 के पास, और एक सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा इसका फर्स्ट हाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई था 496 के पास, तो आपका ये एक फाइनल टारगेट होगा। तो अभी हम RSI को भी चेक कर लेते हैं एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए। तो RSI अभी 58 के पास है, अभी RSI आप देख सकते हैं, यानी कि ये एक बुलिश सेंटिमेंट है, और ये 60 के ऊपर जाने के बाद आपको एंटर करना है, यानी कि 408 लेवल पर ये RSI भी 60 के ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम सेकेंड स्टॉक देखते हैं, जो कि है इंडियन बैंक। आप देख सकते हैं इंडियन बैंक का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 141, और हमें सबको पता है कि PSU बैंक्स अभी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और काफ़ी बुलिश है, तो ये स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो चलिए वो देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस हो चुका है, और नीचे की तरफ ये लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये 3rd time का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से सपोर्ट पर से इसने बाउंस बैक दिया था, और इसने एक हाई बनाया 141 के पास, जिसके पास अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है।
तो यहाँ पर आपको सिंपली 143.80 के ऊपर जाने के बाद आपको इसमें एंटर करना है, जो कि ये लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर जाने के बाद कंफर्टेबली आपको इसमें एंटर करना है। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये ऊपर का रेड लाइन, जो एक असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस है। ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा दोस्तों, जो कि है 154 के पास। और दोस्तों इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है ना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, तो ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो उसका टारगेट होगा करीब 220 के पास दोस्तों। ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद दोस्तों। तो आई होप आपको ये टारगेट समझ में आया होगा। और एंटर करने के बाद जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा इसका लोअर हाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 124 का लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है पैटर्न का, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल होगा। तो ये थे लेवल्स इंडियन बैंक के। तो अभी हम देखते हैं मल्टीयर ब्रेकआउट स्टॉक, जो कि है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉएलन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 856, और ये आज का स्पेशल स्टॉक है। इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है ना गाइस, वो काफ़ी लंबे टाइम का हुआ है, और ये स्टॉक मैं काफ़ी दिनों से आपको रिकमेंड भी कर रहा था। मैंने आपको ये पहले बार 672 यानी कि 672 जो ये ब्लू लाइन है, यहाँ पर मैंने आपको इसका एंट्री पॉइंट बताया था, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ये काफ़ी ऊपर चला गया है, आप देख सकते हैं करीब 200 पॉइंट ही ऊपर चला गया है ब्रेकआउट होने के बाद। और मैंने जो आपको फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट बताया था वो भी सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। 727 मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बताया था इसमें, और 813 जिसके पास अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का। तो अभी हम देखते हैं इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्यों है इसमें। तो मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे हमें एक प्रॉपर पैटर्न दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये रेड लाइन है ऊपर का 813 के पास, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है मंथली कैंडल ने, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल्ली एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है, और पिछले बार जो कैंडल्स थे वहाँ पर सिर्फ शेडोज टच हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड लाइन पर बॉडी नहीं गई कैंडल्स की, ओनली शेडोज टच हुए हैं यहाँ पर फर्स्ट हाई, और यहाँ पर सेकेंड टाइम भी, और यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट हो गया है मंथली कैंडल पर। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों एक ब्रेकआउट का। और उसके साथ ही अगर हम RSI को भी चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि RSI भी 60 के ऊपर है, यानी कि ये एक काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट है दोस्तों। तो ये एक परफेक्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, और इसमें हमें काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो इसमें हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अपना टारगेट 900 के पास फर्स्ट टारगेट हम मान सकते हैं, और उसके बाद हम 1000 के लेवल को भी अपना टारगेट मान सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मैं प्रॉपरली टारगेट्स मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि टारगेट्स क्या है। उसके लिए मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जो 900 का लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 900 और फिर 1000 का दोस्तों, ये आपके टारगेट्स होंगे। और इसके भी ऊपर जा सकता है स्टॉक, आपको ट्रेल करते रहना है अपना स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये थे आज के बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टॉक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।